नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत। एक बिल्कुल नया सा, प्यारा सा, सुनहला सा टॉपिक है, जिसका नाम है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में यह देखेंगे कि पादप जगत है क्या, इसमें हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन इस पादप जगत में किया जाता है। यह एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि बायोलॉजी को अध्ययन के सुविधा के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बाबू? दो भागों में बायोलॉजी को अध्ययन के सुविधा के आधार पे बांटा गया है। एक को कहा जाता है प्राणी विज्ञान और एक को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पादप के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, ये भी क्या है? जीव विज्ञान का एक शाखा है, जीव विज्ञान का एक ब्रांच है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोटेनी, यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, क्लियर हो गया? तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो दूसरा पार्ट था, क्योंकि अध्ययन के सुविधा के आधार पे हम आपको बताए थे कि अध्ययन के सुविधा के आधार पे दो भागों में बांटा गया बायोलॉजी को, तो एक अभी तक जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे वो आपका जंतु विज्ञान था, और आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वनस्पति विज्ञान के बारे में, बॉटनी के बारे में, जिसका जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का पिता किसको किसे माना जाता है, तो आप आंसर क्या बताइएगा? वनस्पति विज्ञान का पिता जो है वो थियोफ्रेस्टस साहब को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जीव विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में वनस्पति विज्ञान का जन्म दिया, जिसमें वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, यानी पादप जगत के बारे में अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बाबू, इसमें अप्रोक्स 3 से 4 दिन टाइम लग सकता है, क्योंकि हम शुरू में ही आपको बताए थे, कल भी हम चर्चा किए थे कि बायोलॉजी में कुछ ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में भी खत्म हो जाएगा, आधा घंटा में भी खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन का भी समय लग सकता है। क्वेश्चन डिस्कशन को ले लेंगे तो 8 से 9 दिन का भी समय लगता है, 1 सप्ताह का भी समय लग जाता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको सिलेबस खत्म नहीं करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम खत्म कर लेना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को कभी दिमाग में नहीं लेना है कि कौन टॉपिक आधा घंटा में खत्म हुआ, कोई 1 घंटा में खत्म हुआ, कोई 1 दिन में खत्म हुआ, कोई 7 घंटा में खत्म हुआ, कोई 5 घंटा में खत्म हुआ, वो टॉपिक पर डिपेंड करती है। हम सारे टॉपिक को उसी रिदम से पढ़ाते हैं जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें कि आपको मैक्सिमम चीज याद हो जाए, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप एक बार पढ़ के आएंगे या एक बार जाने के बाद फिर से पढ़ेंगे। यदि ज्यादा आप तेज हैं, अब बायोलॉजी कभी आप पढ़े हैं, तो एक बार भी खाली लाइव देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मेरे यहां लाइव पढ़ लेते हैं, घर पे एक बार भी किताब नहीं उलटाते हैं, उनको हर कुछ याद रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से कुछ न कुछ जान रहे हैं, पहले से कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर जब लाइव में पढ़ते हैं वो पूरा कंसस होके किताब लेकर बैठते हैं और प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। बहुत है खेल यो रहा है, बीच बीच में वीडियो यो देख रहा है, बहुत है कि थोड़ा दिमाग से ही कमजोर है, कभी जीवन में बायोलॉजी नहीं पढ़ा, बैकग्राउंड मैथ रहा, बैकग्राउंड कॉमर्स रहा, आर्ट्स रहा, कभी बायोलॉजी छुआ ही नहीं, तो उस बच्चों के लिए क्या है कि एक बार जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस समय पढ़ के आइए, और जब टॉपिक खत्म करते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं रेगुलर वे में, तो घर पर भी जाकर क्या कीजिए,
एक बार पढ़िए ताकि आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कोई टॉपिक छोटा है तो आधा घंटा में भी खत्म होगा और कोई बड़ा है तो 5 दिन भी लगेगा। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर जल्दी खत्म हो गया या सर बहुत टाइम लग रहा है, वो हम अपने रिदम से पढ़ाएंगे, आप आराम से पढ़ते जाइए। हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि जिस दिन बायोलॉजी खत्म हो जाएगा और आप चाहेंगे कि बायोलॉजी हमको पूरा याद हो जाए और पर डे आप याद करते जाएंगे, पर डे आप पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन डिस्कशन करते जाएंगे, तो यकीन मानिए कि 100% बायोलॉजी आपका होगा, आपको याद होगा। और बहुत सारे बच्चे जब फोन करके ये बताते हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, सर लव यू, बहुत अच्छा लगता है जब बायोलॉजी हम आपसे पढ़ते हैं, सर कभी नहीं पढ़े थे लेकिन मैक्सिमम चीज हमको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, उसी विश्वास के साथ, उसी भावना के साथ हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, हम आपको बताने का काम करते हैं। औरंगाबाद की धरती से प्रणाम, खुश रहिए। विजय कुमार, लव यू टू। देखिए बहुत सारे लोग लव यू कहते, बहुत अच्छा लगता है। चला, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से सीखिए। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, स्थिरता से 3-4-5 दिन का टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और हर कुछ आपको समझ में आएगा, हर कुछ याद होगा यदि आप ध्यान से सुनेंगे तब। चूंकि ये बायोलॉजी का एक नया ब्रांच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नहीं आप पढ़े होंगे बचपन से, हम पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, एक को जंतु विज्ञान कहा जाता है और एक को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान क्या है, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, हेलो, चलिए। तो जंतु विज्ञान के बारे में आपको पता है कि जंतु विज्ञान क्या है, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, वो जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान का पिताजी के बारे में बताए थे कि जंतु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो अरस्तु साहब को माना जाता है। लेकिन यह बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है जिसको आप बोटनी कहते हैं, और बोटनी का पिताजी किसको माना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का पिताजी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधा यहां पर दिख रहा होगा, अर्थात पादप दिख रहा होगा, अर्थात इसमें हम लोग पादप जगत के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लियर हो गया, ये पादप समूह के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अब ये पादप जगत जो आप देख रहे हैं, इस पादप जगत को इकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ये जो आपका प्लांट किंगडम है, ये जो आपका पादप जगत है, इस पादप जगत को क्या किया गया, इकलर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा, इकलर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा पादप जगत को क्या किया गया, मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एकदम ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लांट किंगडम क्या है समझ गए, इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, इसमें हम लोग वनस्पति के बारे में, इसमें हम लोग पादप के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पादप के बारे में जो वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होता है, कई प्रकार के पादप होते हैं, तो उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर क्या किया गया, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक को अपुष्पीय पौधा कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, पुष्पीय पौधा कहा जाता है। अतः इकलर ने क्या किया, यह आपका पादप जगत जो है, इस पादप जगत को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर दिया। नहीं, हम आपसे उम्मीद करेंगे आपको याद भी हो गया होगा। जैनपुर से लव यू सर, लव यू टू दीपक, ध्यान से एकदम पढ़ाई पर ध्यान करो, एकदम बाबू निश्चित रूप से पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ लो कि पढ़ाई एक ऐसा विकल्प है जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। क्लियर, तो आइए, तो पादप जगत में हमने क्या देखा कि सबसे पहले पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है अपुष्पीय पौधा, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्रिप्टोगेमस, अपुष्पीय पौधा, और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है पुष्पीय पौधा। कितने भागों में बांटा गया, तो यह क्लियर हो गया कि इकलर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्लांट किंगडम जो है, यह पादप जगत जो है, इस पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया, एक को क्रिप्टोगेमस और दूसरे को फेनिरोगेमस कहा जाता है, यानी एक को अपुष्पीय पौधा और दूसरे को क्या कहा जाता है, पुष्पीय पौधा क्या जाता है। क्लियर हो गया, आपको याद भी हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को याद हो गया होगा कि पादप जगत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक को अपुष्पीय और दूसरे को क्या कहा जाता है, पुष्पीय कहा जाता है।
अब आप कहेंगे कि सर अपुष्पीय पौधा क्या होता है, तो वैसा पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें फूल नहीं पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वैसा पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होती है, उसे पौधे को हम लोग अपुष्पीय पौधा कहते हैं। यानी इसमें आपको नहीं पता चलेगा कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, कौन फूल है, कौन फल है, ये सब आपको नहीं पता चलेगा, तो ऐसे पौधे को आप क्या कहिएगा, अपुष्पीय पौधा कहा जाता है। और वैसा पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल ये सारा विभाजित होता है, उसको पुष्पीय पौधा कहा जाता है। क्लियर हो गया? जिसमें जड़ तना और पत्ती विभाजित नहीं रहेगा वो अपुष्पीय पौधा कहलाएगा, और जिसमें जड़ तना और पत्ती विभाजित रहता है उसे पुष्पीय पौधा के नाम से जाना जाता है। अब आपका अपुष्पीय पौधा जो है इसको तीन भागों में बांटा गया। अपुष्पीय पौधा को कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। और आपका पुष्पीय पौधा जो है इसको दो भागों में बांटा गया। एकदम बारी बारी से हम लोगों को याद कर लेना है। सबसे पहले पादप जगत को दो भागों में अपुष्पीय और पुष्पीय। अपुष्पीय क्या है वो भी समझ गए, पुष्पीय क्या है वो भी समझ गए। अब आपको जानना है ये जो आपका अपुष्पीय पौधा है इसको तीन भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरे को कहा जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरे को क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कितने भागों में बांटा गया भाई? तो आपका पादप जगत जो है इसको दो भागों में अपुष्पीय और पुष्पीय है। फिर आपने क्या देखा? आपका अपुष्पीय पौधा जो है जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होता है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, वैसे पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? अपुष्पीय पौधा। और उसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन तीन भागों में बांटा गया। और आपका पुष्पीय पौधा जो है इसको दो भागों में बांटा गया, एक को नग्न बीजी और दूसरे को आवृत बीजी कहा जाता है। पुष्पीय पौधा क्या है समझ गए? जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल सब विकसित होता है, डेवलप होता है, स्पष्ट यह पता चलता है कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, कौन फूल है, यह सब कुछ पता चलता है, वो आपका पुष्पीय पौधा कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है नग्न बीजी, नग्न बीजी, और दूसरे को क्या कहा जाता है? आवृत बीजी। कितने भागों में बांटा गया? तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक को नग्न बीजी कहा जाता है और दूसरे को आवृत बीजी कहा जाता है। तो टोटल कितना भाग हो गया? ये इधर से तीन हो गया और इधर से दो हो गया, टोटल कितना हो गया? पांच भागों में बांटा गया। अतः क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इकलर के द्वारा पादप जगत को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया, तब आप क्या बोलेंगे? पांच भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नग्न बीजी, आवृत बीजी। कितने भागों में? पांच भागों में। फिर एक बार सुनेंगे, चलिए आप लोगों को याद भी हो गया। शालिनी प्रिय दर्शनी, चलिए थैंक यू वेरी मच, आपको क्लियर हो गया कि एकलर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्लांट किंगडम जो है इसको पांच भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नग्न बीजी और आवृत बीजी। इन पांच भागों में बांटा गया। अतः आगे हम लोग इन सबके बारे में, थैलोफाइटा क्या है, उसके अंतर्गत कौन आता है, ब्रायोफाइटा क्या है उसके अंतर्गत कौन आता है, टेरिडोफाइटा क्या है उसके अंतर्गत कौन आता है, नग्न बीजी क्या है उसके अंतर्गत कौन आता है, आवृत बीजी क्या है उसके अंतर्गत कौन आता है, सबके बारे में काफी डिटेल्स में भी हम लोग स्टडी करेंगे, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा टोटल मिलाकर पांच भागों में जो है विभाजित हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नग्न बीजी और आवृत बीजी। तो क्लियर हो गया आपका ये पादप जगत जो देखते हैं, पहले देखिए दो भागों में बांटा गया, एक को क्रैप्टोगेमस कहा जाता है और दूसरे को, ये आपका क्रैप्टोगेमस हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? फिलोगेमस हो गया। फिर आपने देखा क्रैप्टोगेमस को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिलोगेमस को दो भागों में बांटा गया, एक जेमिनोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म।
एक नग्न बीजी और दूसरा आवृत बीजी, तो टोटल कितने भागों में हो गया, पांच भागों में हो गया। क्लियर। चलिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इकलर ने पौधों के वर्गीकरण का जो है फूलों के आधार पर किया था और उन्होंने पौधों को कितने भागों में बांटा, तो टोटली पांच भागों में वर्गीकृत किया। पौधे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो पौधे को इकलर के द्वारा जो है टोटली पांच भागों में डिवाइड किया गया, पांच भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, अपुष्पीय और पुष्पीय, जिसके बारे में आपको पहले समझा चुके हैं। अपुष्पीय पौधा वैसे पौधा को कहा जाता है जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होता है, और पुष्पीय पौधा उसको कहा जाता है जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल ये टोटली क्या होता है, विभाजित होता है। क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपका क्रैप्टोगेमा जो होता है यानी आपका अपुष्पीय पौधा जो होता है, इस अपुष्पीय पौधा को क्या किया गया, तो अपुष्पीय पौधा जो है इस अपुष्पीय पौधे को तीन भागों में बांटा गया। अपुष्पीय पौधे को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। एक आपका क्या हो गया, थाइलोफाइटा, दूसरा क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, इस थाइलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये थाइलोफाइटा क्या होता है, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे। चलिए लव यू टू, ध्यान देंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका कि आपका जो अपुष्पीय पौधा है इसको तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, थैलोफाइटा के बारे में समझेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है। ये जो आपका थैलोफाइटा है यह एक वैसा पौधा है जिसमें जड़ तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है, जिसमें आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, वैसे प्लांट को हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आ जाता है शैवाल, इसमें आ जाता है कवक, इसमें आ जाता है लाइकेन। तो परीक्षा में सवाल आपसे पूछेगा कि शैवाल किस वर्ग में आता है, थैलोफाइटा में आता है, कवक किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है, लाइकेन किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है। तो आगे हम लोग देखेंगे आपका थैलोफाइटा समूह जो है इसमें स्पष्ट हम आपको बता दिए कि ये जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें आप ये नहीं कह पाएंगे कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है। आपके सामने एग्जांपल है, चाहे वो इल्बा हो, चाहे एस्पायरोगायरा हो या वो चारा हो, क्या इसमें आप बताइएगा कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ता है, नहीं बता पाइएगा, अर्थात ये किस ग्रुप का है। ध्यान देंगे, एकदम इस बात पर गौर करेंगे। तो हम ये आपको बता रहे थे कि आपका जो ये थैलोफाइटा समूह में है इसमें जड़ तना और पत्ती विभाजित नहीं रहता है, यानी इसमें आप ये नहीं बता पाएंगे कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, और आपके सामने एग्जांपल भी है, अर्थात ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें शैवाल भी आता है, इसमें कवक भी आता है, और इसमें क्या आता है, आपका लाइकेन भी आता है। तो अब आप कहिएगा सर ये शैवाल क्या होता है, तो जितना एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं ये सब अपुष्पीय पौधा है, थैलोफाइटा का ही है, ये सब शैवाल ही है, और आप देखे होंगे सबका रंग जो है ये हरा कलर का है। सबका कलर कैसा देख रहे हैं आप, सबका कलर आप हरा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो है आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल जो होता है इस शैवाल में आप कलर से ही आपको पता चल गया कि शैवाल का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया, अर्थात शैवाल एक वैसा थैलोफाइटा संघ का जब समूह है या पौधा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात शैवाल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यह स्वपोषी होता है, यह अपने भोजन के लिए क्या होता है, स्वयं पर डिपेंड करता है। अर्थात शैवाल का एग्जाम्पल पूछेगा क्या हो जाएगा आपका, ये शैवाल जो है इसकी कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है। आगे हम आपको कवक के बारे में बताएंगे, फंगस जो है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन आपका शैवाल जो है इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज का बना होता है। इसमें आपका डोमोनस आता है, एस्पायरोगायरा आता है, इलोथ्रिक्स आता है, एजोला आता है, नोस्टोक आता है,
चारा आता है, ये सब किसका एग्जाम्पल होगा। ये टोटल का टोटल एग्जाम्पल जो है आपके शैवाल का है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अतः एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है, तो शैवाल में पाया जाता है। किस थायलोफाइटा ग्रुप में पाया जाता है, तो शैवाल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, अतः यह अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, अर्थात इसको स्वपोषी माना जाता है। एग्जाम्पल तो आपके सामने है, एग्जाम्पल पूछेगा उल्वा किसमें आता है, तो शैवाल में आता है। अर्नोस्टॉक किसमें आता है, शैवाल में आता है। एस्पाइरोगैरा किसमें आता है, शैवाल में आता है। चारा किसमें आता है, शैवाल में आता है। क्लियर हो गया, पक्का ना? चलिए थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर से टेस्ट में क्वेश्चन बहुत रहता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और इस शनिवार को आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, आपको पता होना चाहिए, शनिवार को रात के 8 बजे इस शनिवार को आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा। और उम्मीद करेंगे रविवार का भी हम आपका 8 बजे क्वेश्चन डिस्कशन ले, चूंकि बीच में आपका 2-3 टॉपिक खत्म हो चुका, छोटा टॉपिक था, जैसे जेनेटिक्स भी खत्म हो गया है, इकोलॉजी खत्म हो गया, उसके बाद और कौन खत्म हुआ, नहीं सर, दो ही मेन रूप से जेनेटिक्स और इकोलॉजी खत्म हो गया, तो उसका क्वेश्चन डिस्कशन जो है इसी शनिवार और रविवार को होगा। अतः आपसे मेरा निवेदन होगा कि यदि आप चाहते हैं कि नौकरी हो जो है आपको, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना भी पड़ेगा और क्वेश्चन डिस्कशन भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बहुत सारा जीडी का बच्चा है, तो जो जीडी के स्टूडेंट हैं, वो जीडी का क्वेश्चन बैंक हमारे पब्लिकेशन का आया है, आज पब्लिकेशन का जीडी का क्वेश्चन बैंक खरीद लिए। जीडी का प्रैक्टिस सेट परसों से ही मार्केट में उपलब्ध है, आप जीडी का प्रैक्टिस सेट खरीदिए। जो एनटीपीसी का एग्जाम जिनको देना है, एनटीपीसी सीबीटी2 का क्वेश्चन बैंक खरीदिए, सीबीटी2 का प्रैक्टिस सेट खरीदिए। जिनको ग्रुप डी देना है, वो ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक खरीदिए, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट खरीदिए। तो इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ जब आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तब का नॉलेज आपका जो है और ग्रेड अप होता है और ग्रोथ होता है, और तब जाकर आसानी से आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप जो है अपनी पढ़ाई पर इस कदर ध्यान दीजिए, ताकि हर संभव प्रयास होने चाहिए आपकी कि आपको इस बार नौकरी हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम बायोलॉजी के किंग हैं, थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा, लेकिन शनिवार को क्लास 7 में आपका 8 बजे होगा, 8:10, 8:15 तक लाइव हो जाएगा, या 8:05 में हो सकता है, यानी 8 बजे के बाद कभी भी लाइव हो जाएगा। और रविवार को भी आपका क्लास होगा, तो पीछे का जो दोनों टॉपिक है उसका क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो रविवार को आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो अब हम आपसे बात कर रहे थे ये शैवाल का, ये क्लियर हो गया, आप समझ गए। ये आपका थैलोफाइटा जो है उसमें शैवाल, कवक और लाइकेन तीनों आता है, तो शैवाल समझ गए। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, और एग्जांपल तो आपके सामने है। दूसरा, हम आपको बताए थे कवक के बारे में, यानी फंगस के बारे में, फंगी के बारे में। ये कवक जो है ये भी आपका थैलोफाइटा में आता है, लेकिन कवक में ध्यान रखिएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात कवक जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। अर्थात कोई फंगस जो है, कोई कवक जो है, वो मृतोपजीवी होता है, वो परजीवी होता है, वो सरे गले पदार्थों पर अपना भोजन क्या करता है, चलाता है, सरे गले पदार्थों को तोड़ता है, डिकम्पोज करता है, तब जाकर वो भोजन लेता है। मलमूत्र यत्र तत्र अवशिष्ट पर जो है वो अपना जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। अतः कवक जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना भी नहीं हो पाती है। वो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीव अवशिष्ट पदार्थ पर क्या करता है, वो आश्रित रहता है, तो उसको कवक कहते हैं। और कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। अब कहेंगे सर कवक का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, आपने मशरूम का नाम सुना होगा, तो ईस्ट हो या मशरूम हो या मस्कर हो, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये टोटल का टोटल जो है वो आपके फंगी का एग्जाम्पल हो जाएगा, कवक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने मशरूम खाया भी होगा, ये मशरूम जो है ये बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, समझिए आपके बॉडी में 80% प्रोटीन यदि आप मशरूम खा जाते हैं तो आपको 80% प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन हमारे ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। अर्थात ये प्रोटीन जो है वो आपको सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, मशरूम में। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, तो आप आंसर क्या बोलते हैं, मशरूम में होता है, तो इस मशरूम में होता है। तो इस तरह से आप देखिए, आपका ईस्ट है या आपका मस्कर है या फिर मशरूम है, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, ये टोटल कवक का हो गया। और हम आपको पहले बता दिए
कवक में क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना भी नहीं होता है। कवक कैसा होता है? ये मृतोपजीवी होता है तथा ये क्या होता है? परजीवी होता है। ये अपने भोजन के लिए मरे हुए पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहता है, अर्थात ये जो है फंगस कहलाता है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबूरे, कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू? काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे ईस्ट हो या मस्कर हो या मशरूम हो, यह सब किसका एग्जाम्पल होगा? फंगस का होगा। तीसरा हम आपको बताए थे शैवाल, नहीं शैवाल कवक, और तीसरा बताए थे लाइकेन, ये सब थैलोफाइटा में आता है। तो हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, कवक के बारे में पढ़ चुके हैं, ये सारा एग्जांपल जो आपके सामने दिखता है ये सब क्या है? फंगस है। ये सब क्या है? ये आपका कवक है। तीसरा नाम हम आपको बताए थे लाइकेन के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन का मतलब होता है जो कवक और शैवाल इस दोनों के बीच करी का काम करता है, जो कवक और शैवाल के बीच सहजीवी का काम करता है। तो इस कवक और शैवाल को उन सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो लाइकेन के नाम से जानते हैं। अर्थात लाइकेन जो है यह एक सहजीवी जीव है, जो कि कई शैवाल और कवक को सामूहिक रूप से कहा जाता है। और ये लाइकेन आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये लाइकेन जो है इसी से लिटमस पेपर तैयार होता है। लाइकेन से क्या तैयार होता है? लिटमस पेपर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रयोगशाला में जो है लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, पढ़ा ही होगा आपने, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये लिटमस पेपर जो है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। और लिटमस पेपर बनता किससे है? तो लाइकेन से बनता है। अब कहिएगा सर प्रयोगशाला में इसका काम क्या है? तो इससे अम्ल और भस्म का पता चलता है, किसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है और किसका प्रॉपर्टी बेसिक है, इसके बारे में आपको पता कहां से चलता है? तो इसी लिटमस पेपर से पता चलता है। अतः लिटमस पत्र जो है ये लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। और प्रयोगशाला में अम्ल और भस्म के परीक्षण करने में इसका उपयोग होता है। और ये किसके बीच करी का काम करता है? हम पहले बता दिए, ये शैवाल और फंगस के बीच सहजीवी संबंध को सामूहिक रूप से ही क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आपने थैलोफाइटा ग्रुप में तीन नाम बताए थे, तीनों के बारे में समझ गए, और सबका एग्जांपल भी आप देख लिए कि कवक क्या है, शैवाल क्या है और लाइकेन क्या है। दूसरा हम आपको बताए थे ब्रायोफाइटा। कहिएगा सर ये ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा में भी आप देखेंगे कि इसमें जड़ तना और पत्ती जो है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, क्योंकि हम थैलोफाइटा में नेचरे बताए थे कि जिसमें जड़ तना और पत्ती विकसित नहीं होता है। आपके सामने ये जो दिख रहा है प्लांट, क्या आप इसमें बताएंगे कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ता? नहीं बता पाएंगे। अर्थात ब्रायोफाइटा जो है वह एक वैसा प्लांट है जिसमें जड़ तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। ये जो है दो जगहों पर रहता है, ये पानी में भी अपना विकास करता है और यह स्थल पर भी अपना विकास करता है। पानी में भी विकास करेगा और यह स्थल पर भी अपना विकास करेगा, ये दोनों जगह विकास करता है। अतः ब्रायोफाइटा को क्या माना जाता है? उभयचर पौधा। ब्रायोफाइटा को क्या माना जाता है? तो आपका ब्रायोफाइटा जो है इसको उभयचर पौधा माना जाता है, नहीं इसको कॉमन पौधा माना जाता है। यह अपना विकास जल में भी कर सकता है और अपना विकास ये स्थल पर भी कर सकता है। अतः इसको क्या कहा जाता है? उभयचर प्लांट कहा जाता है, इसको उभयचर पौधा कहा जाता है। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपने फर का नाम सुना होगा, नहीं ये क्या बोलते हैं, ये फर्निया का नाम सुना होगा, आपने मर्चेंटिया का नाम सुना होगा, आपने मॉस का नाम सुना होगा, आपने रिक्सिया का नाम सुना होगा। तो मॉस है या रिक्सिया है या फर्निया है, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये टोटल का टोटल जो है ब्रायोफाइटा में आता है। ये उभयचर पौधा होता है जो स्थल और जल दोनों जगह पाया जाता है। स्पष्ट रूप से लिखा होगा इस प्लांट को क्या कहा जाता है? उभयचर प्लांट कहा जाता है। इसका विकास पानी में भी होता है और इसका विकास स्थल पर भी होता है, इसलिए इसको उभयचर पौधा कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ब्रायोफाइटा क्या आपने समझ गया कि यह एक उभयचर पौधा है, पानी में भी और स्थल पर भी विकास होता है, जैसे मॉस हो गया, रिक्सिया हो गया, यह किसका एग्जाम्पल होगा? ब्रायोफाइटा का।
आप लोग मोस देखे होंगे, जैसे कि हम लोग के मोहल्ला में भी देखते होंगे आम बेचने आता है या लीची का कलम बेचने आता है, पौधा बेचने आता है, तो उसके मिट्टी के ऊपर इस तरह की संरचना देखे होंगे, हरा हरा कलर का संरचना रहता है, वही मॉस है। और उसकी सबसे बड़ा खासियत जानते क्या है, वो मॉस इतना म्यूट होता है, छोटा छोटा प्लांट होता है, लेकिन उसमें पानी अवशोषित करने की क्षमता अपने वजन का 18 गुना ज्यादा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मॉस क्या है, वह एक बर्फाइटा ग्रुप का यह पौधा है जिसमें अपने शरीर के वजन का 18 गुना ज्यादा पानी अवशोषित करने की क्षमता होता है। कितना ज्यादा? 18 गुना ज्यादा पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है, अर्थात यह आपका ब्रायोफाइटा हो गया, एक उभयचर पौधा में आता है, इसमें भी जड़ तना और पत्ती विभाजित नहीं होती है। क्लियर हो गया। तीसरा हम आपको बताए थे टेरिडोफाइटा, लेकिन यह टेरिडोफाइटा में आप देखेंगे आपको जड़ तना और पत्ता स्पष्ट हो जाएगा। यह थैलोफाइटा ग्रुप का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें जड़ तना और पत्ती क्या होता है, विभाजित होता है, और यह जो है स्थल पर विकसित होता है। यह समझिए थैलोफाइटा समूह का पहला ऐसा पौधा है जो स्थल पर विकसित होता है, जिसमें जड़ तना और पत्ती क्या होता है, विकसित होता है, पत्ती भी तना भी जड़ भी जिसमें विकसित होता है, यह पौधा टेरिडोफाइटा कहलाता है। अब इसका एग्जांपल कहिएगा तो इसमें फर्न आता है, इसमें सेलेनगिना आता है, इसमें लाइकोपोडियम आता है, तो लाइकोपोडियम किसका एग्जांपल होगा, तो लाइकोपोडियम टेरिडा किसका एग्जांपल होगा, तो टेरिडोफाइटा का एग्जांपल होगा। फर्न किसका एग्जांपल होगा, टेरिडोफाइटा का एग्जांपल होगा। तो आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इस तीनों के बारे में आपने समझ लिया, सारे का एग्जांपल भी आपने देख लिया, और हम आपसे उम्मीद करेंगे ये सब चीज आपको याद भी हो गया होगा पक्का। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब हम आपसे बात करते हैं पुष्पीय पौधों के बारे में। ये फिनोरोगियमस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधा। तो आप कहेंगे कि सर ये पुष्पीय पौधा क्या होता है, तो पुष्पीय पौधा वैसे पौधे को कहा जाता है जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल सब कुछ विकसित होता है, उसको आप पुष्पीय पौधा कहते हैं। लेकिन अपुष्पीय में क्या बताए थे, ना तो जड़ होगा, ना तना होगा, ना पत्ती होगा, ना फूल होगा, ना फल होगा, कोई चीज विभाजित नहीं होगा, तब वो अपुष्पीय कहलाया था। लेकिन यह है पुष्पीय पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल सब कुछ विकसित होता है। लेकिन पुष्पीय पौधा को कितने भागों में बांटा गया, पहले भी हम आपको बताए थे, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, दो भागों में बांटा गया, एक नग्न बीजी कहलाता है और दूसरा आवृत बीजी कहलाता है। पुनः आवृत बीजी को भी दो भागों में बांटा गया, एक को एक बीज पत्री और दूसरे को द्विबीज पत्री कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम आपसे बात करते हैं, आप कहेंगे सर ये नग्न बीजी क्या होता है, तो ध्यान से देंगे, नग्न बीजी का मतलब होता है जिस पौधे का बीज ओपन हो, जिसमें जड़ तना पत्ती फूल हो, जिसमें फल और बीज ना हो, और उसका फल नहीं हो, बीज हो लेकिन बीज कवर्ड नहीं हो, बीज नंगा हो, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, वो नग्न बीजी कहलाता है। आप यहां पर देखेंगे स्पष्टतया नग्न बीजी की परिभाषा लिखा होगा कि जिसमें जड़ तना पत्ती फूल और बीज तो पाया जाता है लेकिन फल नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम पहले आपको बता दिए इसमें फल नहीं होता है लेकिन बीज में किसी भी प्रकार का आवरण से बंद नहीं रहता है, यानी इस नग्न बीजी का, नग्न मतलब नंगा होता है, ओपन होता है। तो जिस पौधे का बीज ओपन रहता है, नंगा रहता है, कवर नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर की बात करेंगे, ये क्या बोलते हैं, एस्पेरस की बात करेंगे, सेडर की बात करें, कैडर की बात करेंगे, पाइन की बात करेंगे, मेटास्टिकोया की बात करेंगे, तो मेटास्टिकोया हो गया, या फिर आपका सेडर हो गया, या फिर आपका पायर हो गया, या फिर आपका ये पाइन हो गया, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, नग्न बीजी का हो जाएगा। किसका एग्जांपल हो जाएगा, नग्न बीजी का, इसका मतलब जिसका बीज ओपन रहता है, नंगा रहता है, जिसका बीज कवर्ड नहीं रहता है। और दूसरा क्या बताए, आवृत बीजी, जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल बीज
इस सब कुछ विकसित रहता है उसे आवृत बीजी कहलाता है। लेकिन आवृत बीजी भी दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है एक बीज पत्री और एक को कहा जाता है द्विबीज पत्री। तो जिस पौधे में जड़ तना पत्ती फूल फल बीज सब विकसित होगा इसमें कौन आएगा, आम भी आ जाएगा, लीची भी आ जाएगा, कटहल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, लीची आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, ये टोटल का टोटल पौधा किस में आ जाएगा, आवृत बीजी में आ जाएगा। यानी जो पौधा जनरली आप अभी देख रहे हैं आम लीची कटहल अमरूद खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज या फिर भिंडी लौकी या फिर क्या कहते हैं ये चना मूंगफली या फिर क्या कहते हैं ये अन्य कोई दालें, ये टोटल का टोटल जो है आवृत बीजी कहलाता है। लेकिन उसको कितने भागों में बांटे, दो भागों में बांटे। कहेंगे सर कौन कौन, तो एक को कहा जाता है एक बीज पत्री और दूसरे को क्या कहा जाता है द्विबीज पत्री। तो अब आप कहेंगे सर एक बीज पत्री क्या है, तो वैसा आवृत बीजी पौधा जिसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र होता है, दो गो क्रम बीज नहीं रहेगा, एक गो बीज रहेगा, वो एक बीज पत्री कहलाता है। जैसे आपने कभी कटहल खाया होगा, कटहल के एगो कुआ में एक गो बीज रहता है, लीची खाया होगा एक गो बीज रहता है, गेहूं खाया होगा एक गो बीज रहता है, मक्का खाया होगा एक गो बीज रहता है, खजूर खाया होगा एक गो बीज रहता है। तो जिसमें एक गो बीज रहेगा वो एक बीज पत्री कहलाता है। स्पष्ट लिखा है वैसा भी जो प्राकृतिक रूप से दो भागों में बराबर भागों में बटा नहीं रहता है, अर्थात इसमें एक बीज पत्र होता है। तो जिसमें एक बीज पत्र होगा वह एक बीज पत्री कहलाएगा, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, लीची हो, कटहल हो, खजूर हो, यह सब किसका एग्जाम्पल हो गया एक बीज पत्री का। और द्विबीज पत्री में क्या बताए कि वैसा पौधे का बीज जो दो भागों में बटा रहता है, नेचुरली दो भागों में, जैसे आम की बात करेंगे, चना की बात करेंगे, भिंडी की बात करेंगे, तरबूज की बात करेंगे, खीरा की बात करेंगे, ये सब क्या होगा द्विबीज पत्री होगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है बीज जो है दो भागों में बटा हुआ रहता है। जैसे आम हो गया या जामुन हो गया या फिर काजू हो गया, मूंगफली हो गया, भिंडी हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा द्विबीज पत्री कहलाएगा। बेर किस में आएगा, बेर एक बीज पत्री में आएगा क्योंकि उसमें एक योग बीज रहता है। आम जामुन जो है ये सब द्विबीज पत्री में आएगा। तो क्लियर हो गया कि पुष्पीय पौधा को भी दो भागों में बांटे थे, एक नग्न बीजी और दूसरा आवृत बीजी। आवृत बीजी को भी दो भागों में बांटा गया, एक हो गया एक बीज पत्री और दूसरा हो गया द्विबीज पत्री। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा हम हिसाब से उम्मीद करते हैं, जो आपका कॉमेंट बता रहा है थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक, फिर अगले क्लास में यानी कल आपसे मुलाकात होगी, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी पौधे का कौन कौन सा भाग होता है, इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।